जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मेजर शशि मेहता और मैं एक अल्ट्रा रनर हूँ। अभी मैं खड़ी हूँ डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम सहारनपुर में। यहाँ पर मैं अक्सर सुबह रनिंग करने आती हूँ, रिपीटेशंस लगाने आती हूँ। और यहाँ पे तमाम जो भी रनर्स प्रैक्टिस के लिए आते हैं उनमें से सबसे सीनियर मैं ही हूँ। मेरी एज है 42 ईयर्स और जो यहाँ रन करने के लिए आते हैं दे आर वेरी यंग पीपल, 16 ईयर्स, 15 ईयर्स, 18 ईयर्स, मैक्सिमम 21 या 22 ईयर्स। तो वो लोग जब मुझे दौड़ते हुए देखते हैं तो उनको लगता है कि शी इज़ सो सीनियर एंड शी लुक्स लाइक एन अल्ट्रा रनर, वाई शी इज़ कमिंग हियर फॉर रिपीटेशंस। ऐसा माना जाता है कि अल्ट्रा रनर्स तो बहुत स्लो रन करते हैं, उनको स्टेडियम में रिपीटेशंस लगाने की क्या ज़रूरत है। पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी। मैंने बहुत लंबी लंबी रेसेस की हैं, 100 किलोमीटर्स, 24 आवर कंटिन्यूस रनिंग भी मैंने की है और मेरा ये अनुभव है कि आपकी बॉडी में फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी भी रनिंग इवेंट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो 200 मीटर की स्प्रिंट हो या 200 किलोमीटर की 24 आवर रनिंग। आपकी परफॉर्मेंस तभी अच्छी होगी जब आपकी फिटनेस, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर अच्छी होगी, और ये तभी आपके अंदर आएगा जब आप वीक में एक या दो बार स्पीड वर्कआउट करें। और स्पीड वर्कआउट करने के लिए आपने रिपीटेशन लगानी होगी, आपने स्टेडियम में आना ही होगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो पिछले एक महीने से मैं खुद स्पीड वर्कआउट कर रही हूँ। वीक में मैं एक बार 1 किलोमीटर के रिपीटेशंस लगाती हूँ, एक बार मैं 400 मीटर के रिपीटेशंस लगाती हूँ, 15 times 400 मीटर के रिपीटेशंस लगाती हूँ, और अक्सर शाम के वर्कआउट में मैं 200 मीटर के रिपीटेशंस भी लगाती हूँ। और मुझे बहुत मैसिव इम्प्रूवमेंट महसूस हुआ है अपनी फिटनेस लेवल में। मेरे अंदर पावर आई है, स्ट्रेंथ आई है, स्पीड आई है, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा है। तो अगर आप एक अल्ट्रा रनर हैं या मैराथन रनर हैं तो आप ये कभी ना सोचें कि यंग बच्चों की तरह रिपीटेशन लगाने की हमें क्या ज़रूरत है, हमें कोई स्प्रिंटिंग तो नहीं करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी तरह आप भी रिपीटेशंस लगाइए और फिर देखिए कि आपकी परफॉर्मेंस में कितना मैसिव इम्प्रूवमेंट आता है। किसी भी रनर के लिए, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस रनर के लिए, दो चीज़ें ज़रूरी होती है, पहली एंड्योरेंस और दूसरी स्ट्रेंथ। एंड्योरेंस हम एक बार अगर अपने अंदर ले आएं तो वो आसानी से जाती नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने अंदर 50 किलोमीटर लगातार दौड़ने का एंड्योरेंस ले आएं तो आपको हर हफ्ते 50 किलोमीटर रन नहीं करना पड़ेगा टू मेंटेन दैट एंड्योरेंस। आप 2 महीने में एक बार 50 किलोमीटर भी रन करेंगे वो काफ़ी है, बिकॉज आपकी मसल मेमोरी हमेशा याद रखती है दैट यू आर केपेबल ऑफ रनिंग 50 किलोमीटर। लेकिन अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ तभी आएगी जब आप स्पीड वर्कआउट करेंगे वीक में एक या दो बार, मिनिमम एक बार, 2 या 3 बार भी कर सकते हैं। तो स्पीड को मेंटेन करने के लिए आपने हर हफ्ते स्पीड वर्कआउट करना होगा, क्योंकि स्पीड की मेमोरी नहीं होती। अगर आपने स्पीड वर्कआउट करना छोड़ दिया तो आपकी मसल्स भूल जाएंगी कि स्पीड में कैसे भागा जाता है। तो इसलिए आप मेरी तरह स्पीड वर्कआउट कीजिए और फिर देखिए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव होती है।